माता पिता तुल्य वृद्धों की देखभाल कैसे करें और उनके लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं और कायदे हैं, इस विषय पर वृद्धों की उन्नति और उन्हें सुख सुविधाएं दिलाने हेतु प्रयासरत जन सेवा फाउंडेशन पूना द्वारा मातोश्री वृद्धाश्रम अदासा सोनपुर में एक दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन 27 फरवरी 2023 को सम्पन्न हुआ। पिछले 24 वर्षों से वृद्धों के लिए कार्यरत जन सेवा फाउंडेशन पुणे आयोजित इस आयोजन में एलडीएल लाइन के प्रकल्प व्यवस्थापक सिमितेश शाह सावने, तालुका मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष किशोर ढूंढेले, एडवोकेट राजकुमार वाणी भस्मे ने मातोश्री वृद्धाश्रम में निवासरत वृद्धों को उनकी देखभाल और उनके लिए सरकार द्वारा जारी कल्याणकारी योजनाएं और कायदे, इस विषय पर मार्गदर्शन कर उनसे संवाद साध कर स्वस्थ, सरल और सुखमय जीवन आदि विषयों पर बातचीत की। इस अवसर पर एडवोकेट राजकुमार वाणी भस्मे ने वृद्धों के लिए नागरिक देखभाल और उनके कल्याण व जीवन उत्थान हेतु बने कायदा 2007 इसकी जानकारी देकर सरकार द्वारा वृद्धों को दी जा रही सुविधाओं पर मार्गदर्शन किया। वहीं सावने तालुका मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष किशोर ढूंढेले ने वृद्धावस्था में अपनी जीवन शैली कैसे हो, इस पर मार्गदर्शन करते हुए कहा कि बढ़ती उम्र के साथ शरीर कमजोर हो जाता है, हाथ पैरों में दर्द और पाचन क्रिया प्रभावित होने से अनेक छोटी बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उसके लिए सुबह शाम हल्का व्यायाम करें, नकारात्मक और अवसाद को दूर रखें, अपने साथ वृद्धा आश्रम में रह रहे अन्य सहयोगी वृद्धों से स्नेह बनाए रखें, उनसे बात करें, सत्संग करें, नाम स्मरण करें, जिससे आपका मन शांत रहेगा। जीवन के इस पड़ाव पर परिवार से दूर होने का एहसास तो जरूर होता है, लेकिन इससे विचलित ना होते हुए अपने स्वस्थ जीवन के लिए सजग रहें। अपने परिवार को भुलाना मुश्किल होता है, लेकिन जब वे हमें भूल गए हैं तो हमें भी उन्हें भुलाकर वृद्धाश्रम में उपस्थित व्यवस्थाओं का लाभ लेकर अपने मावनी जीवन को सार्थक बनाने की हर संभव कोशिश करने की बात कही। इस अवसर पर एल्डर लाइन प्रकल्प व्यवस्थापक मितेश शाह ने सरकार मान्य जन सेवा फाउंडेशन के विविध उपक्रमों और वृद्धों के विकास हेतु किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि सामाजिक न्याय एवं सबलीकरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वृद्धों की सहायता हेतु देश के सभी राज्यों में हेल्पलाइन शुरू की है। राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, सामाजिक न्याय व विशेष सहायक विभाग, महाराष्ट्र शासन व जन सेवा फाउंडेशन पुणे की संयुक्त हेल्पलाइन एल्डर लाइन 14567 की शुरुआत 1 अगस्त 2021 से कार्यरत इस हेल्पलाइन की मदद से अब तक करीब 75,000 लोगों को सहायता करने की बात इस अवसर पर कही। वृद्धाश्रम वासियों के हितार्थ मातोश्री वृद्धाश्रम पहुंचे जनसेवा फाउंडेशन पूना के पदाधिकारी, जिला भंडारा से पहुंचे एडवोकेट राजकुमार वाणी भस्मे, पत्रकार किशोर ढूंढेले आदि का मातोश्री वृद्धाश्रम के व्यवस्थापक प्रदीप चंदन बटवे ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनसेवा फाउंडेशन के कार्य से वृद्धों को उनके अधिकार की जानकारी और समस्याग्रस्तों की मदद हेतु दी गई हेल्पलाइन से निश्चित ही लाभ होगा। आयोजन का संचालन ज्येष्ठ नागरिक हेल्पलाइन के निलेश नागपुरी ने किया। इस अवसर पर जनसेवा फाउंडेशन के पदाधिकारी और मातोश्री वृद्धाश्रम अदासा सोनपुर के अध्यक्ष राजेश कुमार मालवीय, सचिव विजय शेंडे, व्यवस्थापक प्रदीप चंदन बटवे प्रमुख रूप से उपस्थित थे। वहीं आयोजन के सफलतार्थ हरीश चंद्र सावद, दिगंबर भगत, शीला ध्रुवे, मंगला भगत, कांताबाई ताजने आदि ने परिश्रम लिया। आणि त्यांना एकत्र आपल्याला काहीतरी योग्य मार्गदर्शन देऊन त्यांना आपल्याला न्याय मिळवून द्यायचा। त्याकरिता हे संपूर्ण जनसेवा फाउंडेशनची टीम आहे, ती तत्पर आहे। सरांनी सांगितल्याप्रमाणे आपला काय भक्त आहे, आपला काय कायदा आहे आणि आपण कशा पद्धतीने सिंहासारखं जगलं पाहिजे, हा आमच्या सरांचा 100% तो बोलवणार नाही, कारण त्याला पाहिजे तुम्ही सगळे हितलं हितच संपवलं पाहिजे। आणि हितलं संपवताना तुम्हाला सगळ्यात फक्त सुख आहे की तुम्ही तुमच्या समवयस्क लोकांत राहताय। आज आम्हाला आमच्या वयाचे जर का मित्र पाहिजे असतील तर आमचे मित्र सगळे त्यांच्या त्यांच्या व्यापार आमच्यासारखेच बिझी आहेत। आम्ही सोमवार ते शनिवार कष्ट करतो, रविवारी सकाळी उठून दिली की तुम्ही भाजी पाला सगळी घेऊन येतो, रविवारी दुपारी जरा कंटाळा आला म्हणून झोप काढतो आणि रविवारी संध्याकाळी जेमतेम 2 तास मिनिटात परिवाराबरोबर घालवतो। सरांनी आज चांगला काम मंत्र दिलाय तुम्हाला, तुम्हाला देवदेवांनी 24 तास दिले तुमच्या परिवाराबरोबर घालायला। सामनेर से NBCN न्यूज के लिए कुशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।